औरंगाबाद शहर में शरपसंदों ने शहर की तमाम कोशिशें कर डाली। शहर के माहौल में खौफ छाया रहा, हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज समझा जाने लगा। औरंगाबाद को पिछले कुछ महीने से कमिश्नर नहीं था, एडिशनल कमिश्नर कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जनाब चिरंजीव प्रसाद ने औरंगाबाद कमिश्नर का चार्ज संभाला। औरंगाबाद की टीम पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंची। उनके जाने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा, मुझे जहां फसाद हुआ है वहां एक प्रोग्राम करवाना है और आज ही करवाना है। असल उनसे मुलाकात का मकसद ये था कि आइंदा के एक्टिविटीज के लिए उनसे तारीफ लेना थी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि मुझे आज ही प्रोग्राम करवाना है, लिहाजा औरंगाबाद की टीम ने बड़े मुख्तसर से वक्त में बड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी की और प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाया। जैन समाज के हॉल में प्रोग्राम तय हुआ, हिंदू मुस्लिम की तादाद में कसीर लोगों ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर साहब ने लोगों से ये अजाइम करवाए कि औरंगाबाद को एक फसाद मुक्त शहर बनाना है। लोगों ने झगड़े ना करने का अज्म किया और प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का अज्म किया। याद रहे फोरम नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस है। पयाम-ए-सनद फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दावत बरकातुहम है। जालना से शेख शोएब नदवी की रिपोर्ट। मेरे साथ मंच पे बैठे हुए सभी यहाँ के मान्यवर, मेरे अधिकारी लोग और सबसे महत्वपूर्ण मेरे सामने आप लोग भी बैठे हुए हैं, हर एक उम्र के लोग हैं इसके अंदर। ये दर्शाता है कि जो भी घटना ज्यादा मेरे को हुई उस हटने की पुनरावृत्ति ना हो और इसके लिए हम सब कमर कस के काम करें। मैं बहुत ज्यादा आपसे भाषण नहीं दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भाषण से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। क्या बात है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ हमारा जो युवा वर्ग है वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से रोजगार प्राप्त करे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दसवीं बारहवीं पढ़ रहे हैं, उनका हम और कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, या फिर जिनको ग्रेजुएशन करके कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है उनको हम और कैसे आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। पिछले 3 वर्ष से मैं मराठवाड़ा में हूँ, नांदेड़ में हूँ, मुझे इतनी अच्छी अच्छी सफलता की खबरें मिली। फॉर एग्जाम्पल, जालना से एक बच्चा शेख अंसार, उसे 21 साल की उम्र में आईएएस हो गया, बहुत ही आश्चर्य की बात है। मराठवाड़े का लड़का, उसी के बैच का कांचन गिरे, बिल्कुल गांव का बच्चा था, पर वो अपने पढ़ाई के बल पर नांदेड़ से वो आज कस्टम्स का असिस्टेंट कमिश्नर है। कहने का मतलब ये है, अगर आपने मेहनत की तो बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। और मैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें गाइड करेंगे, बट जो युवा वर्ग है उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों की पढ़ाई चल रही है उसको भी हम गाइडेंस से और अच्छा कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है। मित्रों, औरंगाबाद जैसा इंडस्ट्रियल शहर हर राज्य को नसीब नहीं होता। यहाँ की जितनी इंडस्ट्री है, जितना इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन है और जो फैसिलिटी है, वो बहुत सारे राज्यों में, राजधानी में भी नहीं है। और सुनने में ऐसा आया कि आपके यहाँ और भी इन्वेस्टमेंट आने वाले थे, भारत सरकार ने बहुत प्रयास करके लोगों को भेजा था, बट हमारी कर्फ्यू की वजह से हो सकता है उसको डिले हो जाए। तो मैं चाहता हूँ आपके तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मैं उनको आश्वस्त करूं कि ये घटना भी हो गई, आगे इस तरीके की घटना ना हो। दूसरे चीज, आज भी कुछ लोग मिलने आए थे, यहाँ बहुत अच्छा ऑटो क्लस्टर है। मुझे लगता है कि पूरे कंट्री में इतना बढ़िया ऑटो क्लस्टर नहीं है, और आप वहां से
जिन बच्चों को भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, मैं यही चाह रहा था इतना जो युवा वर्ग है उससे मैं कैसे जुड़ता हूँ। और ये हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का भाग है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर राइट हो गया इस विदेश में आया हूँ आपके साथ। कम्युनिटी पुलिसिंग के भाग के रूप में हम कम्युनिटी के साथ मिलकर के कितना काम कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कितना काम कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो भी रिसोर्स पर्सन है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी युवा वर्ग है, उनको बताएं कि हम हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग विंग है आपके लिए काम करना चाहती है। और अभी भी जाते जाते आपके जो 20 से 25 साल की उम्र के, 28 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं, मैं उनसे मिलना चाहूंगा वो क्या कर रहे हैं और किस फील्ड में उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि हम अपने से जो भी पॉसिबल हो पाए, संभव हो पाए, हम उसको मुहैया करा सकें। तो बस इन्हीं दो शब्दों के साथ, और जैसा कि आपने बताया कि जिन दो चौकों पे दंगे हो रहे थे, शायद बाहर के लोग थे, आपको उनसे फोटोग्राफ लेने थे, अब उनको पहचानते थे कि कौन बढ़वा करके इतना बड़ा काम करके चले गए। ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसमें पब्लिक के लोगों को भी काफी चोट आई, हमारे भी ऑफिसर हॉस्पिटल नहीं है, ICU में है, आपको क्या मालूम होगा कूड़े के साल के बारे में। तो ऐसी घटना ना हो, और आप बात देखो, वजह देखो, आपकी जो भी बात है, जो भी डिमांड है, प्रशासन आपको और मेरिट काम करने को तैयार है किसी भी तरह की बात। इसलिए मेरा ये बोलना है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, भाई वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया, वहां तो क्या हो गया। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप मेरे पास, आपको क्या चाहिए, कायदे के हिसाब से क्या पॉसिबल है, हम कर लेंगे। मैं तो फिर से गुजारिश करूंगा, आप सबके साथ आप हमको इतना विश्वास देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, ताकि मैं आगे भी लोगों को बोल पाऊं अब औरंगाबाद में आगे कुछ नहीं होगा और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है इंडस्ट्री में लगाने लगा देंगे। बस इतना ही बोलकर आज मैं अपने दोस्तों को खत्म करना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां का युवा वर्ग हमसे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ी हैरानी थी आपको, आगे बेटे अच्छे अच्छों को नहीं मालूम होता कि नक्शे में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तुमने हिंदुस्तान बनने कैसे जल्दी जोड़ दिया। बच्चे ने मैप को पलटाया और मैप के पीछे एक इंसान की तस्वीर थी, बच्चे ने कहा पिताजी इंसान को जो है हिंदुस्तान जुड़ गया। इंसानों का मुल्क है, यहाँ पे मजहबी जात पात पे और मजहबी चीजों पे इंसानों के बंटवारे न किए जा सके हैं न किए जा सकेंगे। और यहाँ पे अगर कोई इसकी कोशिश करता है तो एक मिसाल है, एक कश्ती चल रही थी दरिया में, और कश्ती के ऊपर वाले और नीचे वाले अपने अपने हिस्सों में बैठ गए, लेकिन पीने का पानी जो था वो ऊपर के हिस्से में था, तो नीचे वाले घड़ी घड़ी ऊपर जाते पानी लेते, पानी छलकता नीचे गिरता, ऊपर वालों को बड़ा गुस्सा आता, फिर साफ कर लेते। एक दिन यह हुआ कि पुरजोश तरीके से एक साहब ने, जो जितने लोग होते हैं अपने बेचारे वो कम अकल होते हैं और कहीं भी कुछ भी कर सकते, ऐसे जोशीलों से बचने की बहुत जरूरत होती है। तो वो जोशीली जोश को कहा कि नीचे से ऊपर क्यों आ रहे, तुम हमारे पास पानी क्यों पी रहे हो, नीचे का पानी नीचे पियो। अब नीचे पानी पीने को था ही नहीं, तो ऊपर वालों के जोश दिखाने पर नीचे वालों को भी जोश आया, ठीक है हम भी पानी नहीं पीएंगे, हम समंदर में सुराख करके पानी पी लेते। अगर ऊपर वालों ने नीचे वालों को सुराख करने से नहीं रोका और सोचा कि नीचे का मामला है नीचे जाने दो, तो नीचे वाले भी डूबेंगे और ऊपर वाले भी डूबेंगे। इंसानों के बुनियाद के बजाय ये मुसलमानों का या हिंदुओं का या क्रिश्चनों का या इनका या उनका, यकीन मानिए हिंदुस्तान की कश्ती में को डुबाने वाली बात है। ये मोहब्बत का देश है, हम ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोरम से कई सालों से घाटी में काम करते हैं, हम लोग ढूंढ जाते हैं, हम अलग अलग जगह जाते हैं, डॉक्टर उल्लास श्रीकर हमारे साथ खड़े रहकर स्टेशन पे खाना बांटते हैं, डॉक्टर प्रदीप खड़के हमारे साथ आकर प्रोग्राम करते हैं, हमको वो लोग बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं, नशे पे हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हमारे मोहब्बत वाले शहर को पता नहीं किसकी नजर लगी, एक ऐसा काम हुआ कि जिसकी वजह से हमारी सर नीचे झुक गया, हिंदुस्तान के लेवल पे बात होगी कि औरंगाबाद में नफरत की आग बुझी,
हम इस प्रोग्राम के जरिए उम्मीद करते हैं, कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भी खबर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी कि जहाँ पे दंगा हुआ था, जहाँ पे आग लगाई गई थी, वहाँ पे एक भी आदमी इसमें शामिल नहीं था, बल्कि वो मोहब्बत करने वाले मिलाकर जुड़े हैं, बैठे हैं, और उन्हें आज क्या है कि मोहब्बत इस रीत को बाकी रखेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम में अपनी बात प्रदान करता हूँ और सीपी साहब को यकीन दिलाता हूँ कि औरंगाबाद में इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा कोई वाक्य पेश नहीं आएगा। आपकी नजरें गर्म भी रहे, हम आपने जिस तरह शुक्रगुजार हूँ कि जिस एक दिन हम लोग यहाँ पे पुलिस वाले बेचारे तीन तीन दिन बाहर से आए थे, चार चार दिन धूप में खड़े, पसीने उनके उसी पर्दे पे सूख गए, उनको कुछ पूछ ही नहीं रहा। हम लोगों ने उनके लिए ठंडा पानी और पिज्जा ये चीजें उनके लिए रखी। जब हम उसे मिल रहे थे राजू भाई से मुलाकात होगी, राजू भाई ने जो रिस्पॉन्स और जो मोहब्बत किया, यही हिंदुस्तानी की निशानी होती है कि आओ तुम भी आओ हम भी आए बैठे और नफरत के लिए कम्युनिकेशन क्या करें उसको दूर करें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उससे कहीं ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं पुलिस कमिश्नर साहब के। हम तो नेक्स्ट 8 तारीख तक तो नहीं गए थे, डिविजन कमिश्नर साहब ने 8 तारीख तक दिया हमारे को, हम कमिश्नर साहब से 8 तारीख तक नहीं गए थे, लेकिन सलाम हो आपके राजा को, सलाम हो आपके किरदार को। आपने कहा नहीं, आज इसी वक्त उनकी बात की जाए और इसी वक्त प्रोग्राम रखा जाए, तो आपके इस हुक्म पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम से मोहब्बत की फिजा फिराम होंगी, फिरामत में हम दूसरे देश का मिलकर रहेंगे। मैं अपनी बात करती बात को खत्म करता हूँ, बहुत शुक्रिया।